अरे गांव के आश्रम में जो साप्ताहिक कन्या भोजन का कार्यक्रम होता है उसके लिए यहाँ पे पूड़ी बनाया जा रहा है, और इधर पे चावल खीर वगैरह बन चुका है। सो दोस्त देख पा रहे होंगे इधर ये बिहारी भैया हैं हमारे जो धुना पे पूड़ी बना रहे हैं। ये दोस्त यहाँ पे हर सप्ताह को सोमवार के दिन पे साप्ताहिक कन्या भोजन का कार्यक्रम किया जाता है, इसके लिए यहाँ पे पूड़ी बनाया जा रहा है। और इधर देख पा रहे होंगे ये हमारे जो आश्रम के पुजारी जी हैं महंत जी, ये पूड़ी बेल रहे हैं। हम भी इधर पूड़ी बेल रहे थे तो हम सोचे थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। ये देख पा रहे होंगे आटा वगैरह रखा है और इधर पूड़ी भी बन रही है। सो हाय गाइस, हाय दोस्त, आप सभी हमारे प्यारे भाई बहनों को, हमारे दोस्तों को, हमारे मित्रों को हमारे इस ब्लॉग चैनल में स्वागत है। सो दोस्त, जो भी हमारे चैनल में न्यू है यार, जो भी नए व्यूअर हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो दोस्त, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमारे जो गांव के आश्रम में जो साप्ताहिक कन्या भोजन का कार्यक्रम होता है वो किस टाइप में होता है, कैसा होता है। आज हम पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे, कितना अच्छे से हमारे गांव के लोग सहयोग करते हैं और सभी मिलजुल करके और एक कन्या भोजन कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। तो इसकी वीडियो हम सारी पूरी वीडियो आज आपको दिखाएंगे। सो दोस्त, इधर पे देख पा रहे होंगे और आज हमारे आश्रम पे एक परिक्रमावासी महंत जी भी, महात्मा जी पधारे हुए हैं। ये हैं, हर रोज़ दो चार लोग आते रहते हैं दोस्त, परिक्रमावासी लोग, जिनकी हम इस आश्रम में सेवा भी करते हैं, अन्य क्षेत्र चलाते हैं, पूरे गांव के लोग सहयोग करके और सभी लोगों को, जितने भी परिक्रमावासी आते हैं, साधु महात्मा आते हैं, उनकी सभी प्रकार की सेवा किया जाता है। जो भी भूखे प्यासे लोग हैं इस यहाँ पे पहुँच जाते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था यहाँ रहता है, भोजन की, चाय नाश्ता की, हर प्रकार से उनकी व्यवस्था किया जाता है। तो आज जो हमारे साप्ताहिक कन्या भोजन का कार्यक्रम है उसके लिए यहाँ पे पूड़ी बनाया जा रहा है। इधर खीर वगैरह सब्जी वगैरह बन के तैयार है। उधर देख पा रहे होंगे भोलेनाथ जी विराजमान है, अभी यहाँ से अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, हम उधर जाके आपको अभी दिखाएंगे। सो दोस्त, आज हम आपको सारी वीडियो दिखाएंगे लास्ट तक कि किस प्रकार से हमारे इस आश्रम में कन्या भोजन का कार्यक्रम किया जाता है। तो दोस्त, हमारा भोजन बनकर के तैयार हो गया है, कन्या भोजन का यार, और उधर अब आरती का कार्यक्रम शुरू हो रही है जो आपको हम दिखा रहे हैं। आरती के बाद जस्ट कन्या भोजन का कार्यक्रम होगा। देख पा रहे होंगे यहाँ पे भोले बाबा विराजमान है और ये भगवान वासुदेव शनि भगवान, उधर ये पूजा का कार्यक्रम शुरू हो रही है। इसके जस्ट बाद कन्या भोजन का कार्यक्रम होगा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता है पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता है पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़ाए, फूल चढ़ाए और चढ़ाए मेवा, लड़ुवन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता है पार्वती पिता महादेवा। उधर है आरती शुरू है दोस्त, और हम यहाँ पे पूड़ी बना रहे हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो आरती के जस्ट बाद कन्या भोजन का कार्यक्रम होगा। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको दिखाते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम जो कन्या भोजन का कार्यक्रम है किस प्रकार से संपन्न होता है। तो अभी हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा कृपया प्लीज। वैसे तो देख पा रहे होंगे यार, पूजा हमारा संपन्न हो चुका है, यहाँ पे भोले बाबा विराजमान हैं और यहाँ पे शनि भगवान और भगवान वासुदेव का स्थापना हुआ है, और यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी का स्थापना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे परम पूज्य श्री पंचमुखी हनुमान जी का स्थापना है, जो हमारे इष्ट भगवान भी हैं, देख पा रहे होंगे यहाँ पे।
सो दोस्त पूजा संपन्न हो चुका है, अब चलते हैं आपको दिखाते हैं हम कन्या भोजन का कार्यक्रम। देख पा रहे होंगे हमारे जो आश्रम के महंत साहब जी हैं वो कन्याओं का चरण धो करके और पी रहे हैं, ये चरणामृत ले रहे हैं कन्याओं का। ये हर सोमवार को होता है दोस्त, हर प्रत्येक सोमवार को ऐसा कार्यक्रम इस आश्रम में किया जाता है। ये हमारे एक महंत साहब जी हैं जो देख पा रहे होंगे इनका पूजा पाठ चल रहा है, ये घंटी वंटी रख के और पूजा पाठ कर रहे हैं इधर। और इधर महंत साहब जी हमारे जो आश्रम के पुजारी हैं कन्याओं का आरती पूजन कर रहे हैं, तिलक चंदन वंदन जिस प्रकार से कन्याओं का पूजा किया जाता है पूरे विधि विधान के साथ कन्या भोजन का कार्यक्रम करते हैं यहाँ पे, देख पा रहे होंगे इधर। देख पा रहे होंगे दोस्त इधर भोजन परोसा जा रहा है कन्याओं को हमारे आश्रम के महंत साहब के द्वारा, पूरे विधि विधान के पूजा अर्चना कन्याओं का करने के बाद इधर भोजन परोसा जा रहा है। देख पा रहे होंगे सारे कन्याएं बैठी हैं यहाँ पे। हर सोमवार की भांति इस सोमवार भी हर प्रत्येक सोमवार को प्रत्येक विधि विधान के साथ कन्याओं को भोजन कराया जाता है यहाँ। तो दोस्त है आप लोगों को भी किसी को कन्या भोजन में भाग लेना हो तो आप लोग भी ले सकते हैं, किसी प्रकार से आपको सहयोग देना हो तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से चेक करके और सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्त देख पा रहे होंगे इसी प्रकार से प्रत्येक सप्ताह हमारे आश्रम में ऐसा कार्यक्रम होता है। सो दोस्त वीडियो हमारी यहीं ख़त्म करते हैं, और जो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो यार तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्त धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।